नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। खबर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की। आर्थिक राजधानी में ड्रग्स की तस्करी करने वालों के खिलाफ मुंबई पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए न सिर्फ ड्रग्स तस्करों को रोकने का प्रयास कर रही है बल्कि इस गोरख धंधे को चलाने वालों को गिरफ्तार भी कर रही है। इसी कड़ी में बोरीवली की MHB पुलिस ने चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 8 लाख की कीमत की 505 ग्राम चरस बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक सिंह के रूप में हुई है जिसकी उम्र 29 साल के आसपास है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पास के मेट्रो स्टेशन के नीचे एक व्यक्ति ड्रग्स बेचने के लिए आने वाला है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाल बिछाकर तस्कर दीपक को धर दबोचा। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो पता चला कि बिहार के सिवान जिले के रहने वाले 42 साल के असगर अली अमीन हुसैन नाम के शख्स ने कथित आरोपी को चरस देकर मुंबई बेचने के लिए आया था। इसके बाद पुलिस की एक टीम बिहार पहुंची और कथित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। MHB पुलिस स्टेशन में हमारे ATS ऑफिसर API सिद्धे और PSI बॉम्बे और उनका जो स्टाफ है हवलदार तावड़े, पुलिस सिपाही भूगे और अहिरे, उनको 28 अक्टूबर को एक खबर मिली कि हमारे एक्सर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ एक आदमी है, वो चरस लेके आने वाला है। खबर मिलते ही उन्होंने वहाँ ट्रैप लगाया और ट्रैप लगाने के बाद एक सस्पेक्टेड आदमी मिला। उसको चेक करने के बाद उसके पास कुछ चरस मिला। उसको हमने पुलिस स्टेशन में लेके आए, चेक किया तो उसके पास 505 ग्राम चरस मिला है। उसकी लगभग कीमत है 8 लाख रुपए। जो हमारी टीम है वो टीम ने जब आरोपी के साथ इंट्रोगेशन किया तो इंट्रोगेशन में ऐसा पता चला कि ये आरोपी ने छपरा बिहार यहाँ से असगर अली अमीन हुसैन अंसारी उसके पास से उसने ये चरस लिया है। तो हमने उसका पूरा डिटेल लेके हमारी पूरी टीम API सिद्धे PSI बॉम्बे और उनके साथ पूरा स्टाफ बिहार छपरा गई और वहां से एक दूसरे आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया। हमने अभी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और आगे का भी इन्वेस्टिगेशन के सब पता चलेगा कि इतना सब चरस वो लोग कहाँ से लेके आते, बेचने वाला और लेने वाला, वो दोनों की हम इंक्वायरी करके हम उन्हें भी अरेस्ट कर लेंगे। हाँ, अभी सब इंक्वायरी चालू है, दोनों अभी पुलिस।